आनंदेश्वर मंदिर में गद्दी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते शुक्रवार को मंदिर के पुजारी समेत तमाम लोगों ने मंदिर में चूना अखाड़े के महंतों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने बताया कि चूना अखाड़ा जबरन कब्जा करना चाहता है, जबकि मंदिर से अखाड़े का कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे तीन बंदियों के और हमारे पुजारियों के खिलाफ इन्होंने पर्ची भाई दर्ज कराई है, उसके विषय में और अपने परिवार की जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है उनकी सबकी जानकारी देने के विषय में हम उनसे मिलने के लिए आए थे, और ये न्याय मांगा है कि अगर उनके पास कोई एफिडेविट उनके पास कोई भी कागजात है तो उनको हमारे सामने पेश करें और हमारे पास जो उनको ले, अगर कहीं भी अखाड़े का यहाँ कोई कब्जा नहीं है, कुछ नहीं है, ये षड्यंत्र बना के अखाड़ा मंदिर पर कब्जा करना चाहता है। श्रीमान जी से निवेदन है कि हम लोगों की सहायता करें, इन लोगों को यहाँ से हटाएं। अखाड़े को श्याम गिरी जी ने ही बुलाया कमिश्नर साहब ने, क्या आपने कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि आप चिंता न करें, मैं विधिवत जाँच कराऊंगा। और उनको हमने ये भी बता दिया कि आप लोगों के सर पर तलवार लटकी हुई है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का फोन है ना, खुले दहाड़े है प्रशासन के पास में, उनका फोन है कि जाइए आप मंदिर पर कब्जा कराइए। मेरा भी मतलब प्रतिनिधि मंदिर गया था, उनको धमकाया और कहा कि तुम लोग यहाँ से भाग जाइए और नहीं तो उठा के मैं तुमको जेल भेज दूंगा। अपना पूरा परिचय दे दिया। मेरा नाम बाबा रामदास और मरकंठगिरी श्री श्यामगिरी आनंदेश्वर मंदिर परमठ। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।